एवरीवन, मेरा नाम सुशांत शर्मा, स्वागत करता हूं हमारे चैनल स्टेट एक्सपर्ट में। आज मैं आपके लिए सेक्टर 67 में 300 गज में 4 BHK लेके आया हूं। ये प्यारी प्रॉपर्टी आपके लिए लेके आया हूं, फर्निश्ड प्रॉपर्टी आज आपको मैं दिखाने वाला हूं। कनेक्टिविटी की बात करूं, सोना रोड से कनेक्टिविटी है, गोरखपुर एक्सटेंशन से कनेक्टिविटी आपको मिल जाएगी, नियर बाय मॉल, हॉस्पिटल, सारी चीजें आपको वॉकिंग डिस्टेंस पे है। सिक्योरिटी पर्पस गेटेड सोसाइटी है, कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली, पार्क फेसिंग प्रॉपर्टी। आज चलिए अब आपको देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं इस प्रॉपर्टी का होम टूर को। प्लीज कम। जहां मैं खड़ा हूं ये हमारी ड्राइंग रूम है। जस्ट लुक एट दैट, कितनी प्यारा लुक लग रहा है। ऊपर की तरफ देखते हैं, शाइनलेस, इतना प्यारा लग रहा है, ऐसे लग रहा है मैं, इतना प्यारा लग रहा है ना, इसको देखते रहूं। यहां पे मैं अपनी फैमिली के साथ बैठा हूं, बातें कर रहा हूं, पूरे दिन की बातें मैं अपनी फैमिली के साथ शेयर कर रहा हूं। यहां से मैं सिर्फ बाहर देख रहा हूं, इतना प्यारा व्यू यहां पे आपको दिखता है। पार्क फेसिंग प्रॉपर्टी है पूरी, है इतनी प्यारी प्रॉपर्टी। यहाँ पे आपको UPVC डोर मिलते हैं, ये नेट है यहाँ पे, जिससे आपको यहाँ पे मॉस्किटोज नहीं आते। यहाँ पे अगेन दोबारा आपको UPVC डोर मिलता है, जो एक हैवी डोर है, जो यहाँ पे आपको इतना हैवी यहाँ पे डोर मिल रहा है ना, जो आपको ग्लास मिल रहा है बहुत हैवी है। हम बाहर की तरफ आते हैं तो यहाँ पे सारा इन्होंने टाइल का काम कर रखा है। ऊपर देखते हैं तो यहाँ पे आपको फैन लगा हुआ है, एसी का। ऊपर देखेंगे यहाँ पे वुड का काम है, यहाँ पे दो काम है इस वाले एरिया में, ड्राइंग रूम के सामने वाले में वुड का काम है। यहाँ पे आप अपना कोई भी चीज रख सकते हैं, जैसे यहाँ पे इन्होंने यहाँ पे एक पोर्ट रख रखा है। इसके ऊपर हम देखेंगे तो यहाँ पे इन्होंने वाइट पेंट का काम है, यहाँ पे आपको झूला दिया हुआ है आपने। यहाँ पे आप जस्ट, यहाँ पे आपका पूरा अरावली फेसिंग है। आकिब, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज एक बार सामने पूरा दिखाएं, अरावली फेसिंग है ये, पार्क फेसिंग प्रॉपर्टी है पूरी, पूरी की पूरी अरावली फेसिंग है। यहाँ पे ना शाम को ऐसा लगता है मनाली में बैठे हो और बारिश हो रही है ना, सुभान अल्लाह, इतना प्यारा मौसम लगता है यहाँ पे, मैं क्या बताऊँ आपको। आइए प्लीज आपको मैं अंदर लेके चलता हूँ। अब मैं आपको यहाँ पे आपको फर्स्ट बेडरूम में लेके चलता हूँ, जो हमारे बिल्कुल राइट हैंड साइड पे है। उससे पहले मैं आपको एक बार पाउडर रूम में लेके चलता हूँ। ये हमारा पाउडर रूम है, जो दूसरे रूम से कनेक्टिविटी है, मैं आपको बाद में दिखाऊंगा। बट सबसे पहले मैं आपको इसके डोर की क्वालिटी बता दूं, तो ये बहुत हैवी डोर है, बहुत अच्छी क्वालिटी का, सुप्रीम क्वालिटी का इन्होंने यहाँ पे लगा रखा है डोर, और उसके लॉक सिस्टम भी बहुत अच्छा है। अगर मैं टाइल्स की बात करूं, एवन टाइल्स लगा रखी है यहाँ पे, पूरी शाइनिंग टाइल्स है। आपको यहाँ पे पूरा सैंपल फ्लैट दिया हुआ है, जैगुआर की फिटिंग दे रखी है, सारी की सारी जैगुआर की फिटिंग है। किसी भी चीज में, किसी भी हद में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। यहाँ पे आपको स्पेस के लिए एक्स्ट्रा स्पेस दे रखा है। यहाँ पे आप एक बार ना कॉम्बिनेशन देखिए, इस कलर में, इस स्टाइल में, और ये पूरा का पूरा जो आपको मिरर दे रखा है उसके साइड में, सेम कॉम्बिनेशन रख रखा है कि आपको कुछ चीज अलग लगेगी ही नहीं। यहाँ पे इतना प्यारा इन्होंने यहाँ पे जैगुआर की फिटिंग है, रेडॉन का यहाँ पे इन्होंने वॉशेशन दे रखा है। नीचे आपको इतना स्पेस दिया हुआ है कि आप अपना सामान रख सकते हो। नीचे देखते हैं तो एंटी स्लिप टाइल्स दे रखी है यहाँ पे कि आप स्लिप ना हो। सेम इसी के राइट लेफ्ट साइड पे देखते हैं तो हमारा फर्स्ट बेडरूम आ जाता है। और थोड़ी सी यहाँ पे ना आपको कंस्ट्रक्शन की आवाज़ आ रही होगी, तो उसको प्लीज थोड़ा इग्नोर करें, बिकॉज यहाँ काम चल रहा है। नीचे देखते हैं तो पूरी इन्होंने वुडन फ्लोरिंग दे रखी है, और साथ में यहाँ पे इन्होंने पेंट का काम इतना प्यारा कर रखा है, बिल्कुल फिनिश। ऊपर देखते हैं तो इन्होंने बहुत अच्छी इन्होंने डिजाइन दे रखी है, ओरिएंट के इन्होंने फैन लगाए हैं, वोल्टास का एसी दे रहे हैं। इसमें आपको 2 AC मिलेंगे। अब मैं यहाँ की बात करता हूं कि तो यहाँ का लुक देखते हैं, 2 लैंप ऊपर लगे हुए हैं जो विंटेज लैंप टाइप है। यहाँ पे एक बहुत प्यारा सा वॉलपेपर दे रखा है। सबसे अच्छी बात इस घर में, हर बेडरूम में जो बेड है उसके बैक साइड से ही कलर से मैच होता हुआ आपको यहाँ पे टेबल मिलती है, या आप ड्रॉअर कह सकते हो, दोनों साइड आपको मिलेगी। आइए इसका मैं आपको एक बार वॉशरूम दिखाता हूं। उससे पहले आपको यहां पे आपको कबर्ड मिल जाती है, जो बहुत अच्छी और ह्यूज,
आपको सामान रखने की मिलती है, ऊपर आपको एलईडी पैनल मिल जाते हैं, इसमें आप अपना सामान पूरा रख सकते हैं। आप यहाँ पे देखेंगे ना तो पूरी इतनी प्यारा काम कर रखा है, फिनिशिंग इतनी अच्छी कर रखी है कि आप मेरे को मेरी इमेज दिख रही है सामने। राइट हैंड साइड में मैं एंटर करूंगा तो मुझे यहाँ पे सेम, मैंने जैसे आपको बताया जो चीज जिस कलर के साथ कॉम्बिनेशन कर सकते हैं हर वॉशरूम में, वैसे ही काम किया गया है। इस कॉम्बिनेशन के साथ यहाँ पे वुड का काम है, नीचे देखेंगे तो आपको वुड का कॉम्बिनेशन मिलता है। सेम जैगुआर की सारी फिटिंग है यहाँ पे, आपको एक सैंपल्स के लिए यहाँ पे आपको सारी चीजें दी हुई है। यहाँ पे आप अपना टूथब्रश रखेंगे, यहाँ पे आपको सारा का सारा काम करा हुआ है, बहुत अच्छा नीट एंड क्लीन आपको यहाँ पे काम किया हुआ है। यहाँ पे आपका कटिंग है, यहाँ से हट जाएगा तो आप अपना यहाँ पे फैन लगा सकते हैं। यहाँ पे सारा का सारा ब्लू सी का और जैगुआर का काम किया गया है। यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा स्पेस दिया गया, यहाँ पे आप अपना शैम्पू रख सकते हैं, सोप रख सकते हैं, राइट। यहाँ से जब हम बाहर जाते हैं तो यहाँ पे आप अपने एक मिरर बना लगा सकते हो जो यहाँ से रेडी हो के आप सामने देख सकते हैं, राइट। अब आप आइए, मैं आपको सेकंड बेडरूम में लेके चलता हूँ जो बिल्कुल हमारे बिल्कुल सामने है। एक हमारा बेडरूम ये है, एक हमारा बेडरूम ये है। फर्स्ट मैं आपको ये बेडरूम दिखा देता हूँ। इसमें आप एंटर करेंगे तो आपको एक पीसफुल एरिया मिल जाता है, बिल्कुल कीप काम, बिल्कुल पीछे एक वॉलपेपर बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत डिसेंट वॉलपेपर है, ऊपर ये लैंप बहुत प्यारे लग रहे हैं, ओरिएंट के फैन आपको मिल ही रहे हैं। जैसे मैंने आपको बताया था जो बैकग्राउंड है, जो बेड का बैक साइड है, वही सेम उसी डिजाइन का आपको यहाँ पे ड्रॉअर मिल जाते हैं। इतने प्यारे तरीके से इन्होंने डिजाइन किया है ना हर चीज को, बहुत ही प्यारे तरीके से। यही वो रूम है जिसके साथ पाउडर वॉशरूम आपका कनेक्ट है, ये जो मैंने अभी आपको पहले दिखाया था, एक बार आपके दिखा दो प्लीज। सो राइट हैंड साइड पे आपको यहाँ पे कबर्ड मिल जाती है जो इस कलर के साथ बिल्कुल मैच कर रही है। आपको इसको ओपन करके भी दिखा देता हूँ, अच्छी खासा स्पेस है यहाँ पे, आप ऊपर अपना कोट टांग सकते हैं, साड़ी रख सकते हैं, यहाँ पे नीचे आपको यहाँ पे शू रैक मिल जाता है, यहाँ पे आप अपना सामान रख सकते हो। सेम मैंने जैसे आपको बताया बिल्कुल अच्छा वर्क कर रखा है। राइट हैंड साइड पे हम आएंगे तो यहाँ पे आपको थर्ड बेडरूम मिल जाता है जो एंट्रेंस करते ही बहुत प्यारा सा क्लासिक सा लुक देता है इनके वॉलपेपर्स की वजह से। वॉलपेपर्स बहुत सोच समझ के डिज़ाइन करे गए हैं, डिज़ाइन ऐसे ही रखे गए हैं कि वो हर चीज़ के साथ कनेक्ट हो, हर चीज़ के साथ कनेक्ट हो। सेम जैसे मैंने आपको बताया बैक साइड के साथ, सी लैंप के नीचे जो टेबल रख रखी है बिल्कुल सेम ऐसे ही रखी गई है। यहाँ पे आपको यहाँ पे राइट हैंड साइड पे एक मिरर मिल जाते हैं जो एक क्लासिक वे में कट किए हुए हैं। सेम यहाँ पे आपको अलमीरा मिल जाती है। लेफ्ट हैंड साइड पे आपको यहाँ पे आप आएंगे तो आप दिखेगा ये प्यारी क्लासिक टाइल्स यूज कर रखी हैं। यहाँ पे व्हाइट कॉम्बिनेशन के साथ मिरर का व्हाइट कॉम्बिनेशन दे रखा है। हर स्विच बोर्ड पे आपको वुड का टेक्सचर मिलेगा, सारे इन्होंने इस टाइप से बना रखा है। सारा का सारा काम इनका जैगुआर का है, सारा का सारा काम जैगुआर का है। जब आप यहां से बाहर निकलेंगे तो इसके साथ में हमारा फोर्थ बेडरूम है जो यहां से एंट्रेंस करते हैं। यहाँ पे आपको सेम लेफ्ट हैंड साइड पे आपको बहुत ही प्यारा सा आपको एक डिज़ाइन मिल जाता है, बहुत ही अच्छा लग रहा है, डिसेंट डिज़ाइन। सेम जैसे मैंने आपको हर बेडरूम में बताया है कि बेड के साथ उन्होंने उसी चीज़ उसी कलर की कॉम्बिनेशन के हिसाब से रखा है। ऊपर देखते हैं तो आपको आपको बहुत प्यारी फोकस लाइट मिल रही है। यहाँ पे आप बैठ के जब पढ़ेंगे ना तो आपको एक अलग ही एक्सपीरियंस मिलता है, राइट। बैक साइड पे हमें बालकनी मिल जाती है जो तीनों चीजों से कनेक्टिविटी है, किचन से भी कनेक्टिविटी है इस बालकनी की। यहाँ पे थोड़ी सी आवाज़ है तो उसको थोड़ा सा आप इग्नोर करें। यहाँ पे बहुत ही अच्छा स्पेस मिल जाता है, ऊपर आपको एलईडी का काम मिल जाएगा और वॉकिंग आपको बालकनी मिल रही है, बहुत लंबी बालकनी है जो हमें मिल रही है। ऊपर की तरफ हमें स्पेस मिल जाता है फैंस का, यह सारा वॉकिंग डिस्टेंस आपको वॉकिंग बालकनी है आपको कि आपको बाहर ना जाने पड़े, आप घर पे ही वॉक करें, राइट। आइए आप अंदर चलिए, मैं आपको इस घर की सबसे मेन चीज़ दिखाता हूँ उससे पहले, बट इस रूम का आपको मैं एक बार वॉशरूम दिखा देता हूँ पहले। इस रूम के वॉशरूम की बात करें तो यहाँ पे वाइट टाइल्स का यूज़ किया हुआ है जिसमें सारी फिटिंग जैगुआर की है। एंटी स्लिप टाइल्स हैं ये सारी जो यूज़ कर रखी हैं। यह आपको आप ध्यान से देखोगे तो ये मैग्नीफाई ग्लास है, आप बिल्कुल इसको जो आप अपने आप को ग्रूम करेंगे वो यहाँ पे आपको दिखेगा, छोटी से छोटी चीज़।
यहाँ पे आपके बैक साइड पे आपको और स्पेस मिल जाते हैं यहाँ पे रखने का। सेम नीचे आपको यहाँ पे स्पेस मिल जाएगा। सारी जैगुआर की फिटिंग यहाँ पे आपको अंदर भी एक कबर्ड दी गई है। इतना प्यारा यहाँ पे काम किया गया है ना, जब यहाँ पे वीडियो में तो आपको देख के इतना फील नहीं होगा, बट जब आप यहाँ पे आके देखोगे ना तो आपको पता चलेगा कि कितनी अच्छी चीजें हैं। यहीं पे ऊपर की तरफ देखते हैं तो यहाँ पे सारे इंजीनियर वुड का काम है। हमारा मेन चीज, हमारे घर की सबसे इम्पोर्टेंट जगह, हमारी डाइनिंग टेबल, बिकॉज वहाँ पे हम अपनी फैमिली के सारी बातें करते हैं। जो हम बाहर गए, ऑफिस गए, वो सारी बातें यहाँ बैठ के होती हैं। तो राइट हैंड साइड पे आप मेरे यहाँ देखेंगे तो यहाँ पे इन्होंने एक टीवी का कंसोल किया, उसके पीछे बहुत ही प्यारा और यूनिक वॉलपेपर लगाया है, जिसमें ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे इन्होंने ईंटों का काम कर रखा हो। नीचे की तरफ आप देखेंगे तो वाइट पूरा का पूरा एक स्टोरेज सिस्टम दे रखा है, जहाँ पे आप अपना सामान रख सकते हो। सबसे प्यारी चीज़ यहाँ पे इन गणेश जी की जो मूर्ति है, यहाँ पे आप अपना शोकेस कर सकते हो जैसे आप चाहे। तो ये बहुत प्यारी लग रही है, पीसफुल। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको इसके ऊपर दिखाता हूँ जो मुझे सबसे ज़्यादा कनेक्ट करती है। एक तो जब डाइनिंग टेबल के ऊपर मैं देखता हूँ शैंडलर इतना प्यारा लग रहा है, और एक जो ड्राइंग रूम में शैंडलर, मेरा दिल जीत लिया है शैंडलर ने। रात को अगर आप वॉक कर रहे हो ना, ऐसा लगता है कि कहाँ आ गए। और मेरी बैक साइड पे आप देखेंगे ना बुद्ध जी की, इतनी प्यारी इन्होंने वॉलपेपर लगाया है। इसको देख देख के अंदर से लगता है कि हाँ, गुस्सा शांत हो जाता है, पीसफुल रहता है बंदा, राइट। नीचे देखते हैं तो यहाँ पे बहुत प्यारा ब्लैक इन्होंने यहाँ पे टेबल दिया है, जो बहुत ही प्यारा क्लासिक लग रहा है। नीचे देखेंगे तो यहाँ पे हमें स्टोरेज मिल जाती है, जो इन्होंने यहाँ पे थोड़ा सा सामान रख रखा है अपना। इतना प्यारा लग रहा है ना, ये शाइन कर रहा है। इनफैक्ट ये इतनी प्यारी चीज लग रही है कि अलग ही दिख रही है। ये सब तो हो गया घर में। सबसे इंपॉर्टेंट चीज घर की, जो मैं आपको दिखाने वाला हूं, घर का दिल, जिसे स्पेशली मैं उसे दिल बोलता हूं घर का, तो वो होती है किचन। किचन को देखो, मन करता है कि बस अंदर ही रहो, और यहीं पे तो हमारी सारी डिशेज बनती हैं। हम करते किस लिए हैं? खाने के लिए तो करते हैं हम काम, पैसा हम कमा रहे हैं किस लिए? अपनी फैमिली के लिए। और फैमिली को अगर हम अच्छी चीज ही ना प्रोवाइड कर पाए तो क्या फायदा। इसीलिए मैं आपके लिए चुन चुन के इतनी प्यारी चीजें लाता हूं। आपको यहाँ पे सारे का सारा फाइबर का काम मिलेगा, आपको ओटीजी मिलेगा, ओवन आपको यहाँ पे मिल जाता है। आके प्लीज एक बार दिखा दीजिए सारी चीजें। आपको यहाँ पे स्पेस की कमी नहीं मिलने वाली। आपको स्पेस पे, आपको यहाँ पे ये स्पेस मिल जाता है, ये आप इसको एडजस्ट कर सकते हो। आप इसको जितना चाहो उसको आप एडजस्ट कर सकते हो, जितना आप ऊपर चाहें और उतना ही नीचे, जितने आप बॉक्सेस यहाँ रखना चाहो, जितना आपके घर में सामान है ना यहाँ पे स्टोरेज आपको उतनी मिलेगी। यहाँ से लेफ्ट साइड पे देखता हूँ, यहाँ पे आपको स्टोरेज मिल जाएगी, नीचे आपको स्टोरेज मिल जाएगी, यहाँ पे आपको स्टोरेज मिल जाएगी। स्टोरेज कहाँ नहीं मिलेगी, हर जगह स्टोरेज है। फाइबर के आपको चिमनी और हॉब मिल जाते हैं, यहाँ पे आपको स्टोरेज मिल जाती है, यहाँ पे आपको स्टोरेज मिल जाती है। नीचे देखते हैं, मैं थक जाऊंगा स्टोरेज दिखाते दिखाते, बट यहाँ पे स्टोरेज खत्म नहीं होगी। यहाँ पे आप अपना सामान रख सकते हो। सारा सॉफ्ट टच है, सारा का सारा सॉफ्ट टच है। यहाँ पे मैं आपको एक बार सारा दिखा देता हूँ। यहाँ पे आपको आपका डस्टबिन मिल जाता है, यहाँ पे आप ऐसे यहाँ पे अपना क्रॉकरी सिस्टम रख सकते हो, यहाँ पे आपका डिशेस आप साफ करके यहाँ रख सकते हैं। सारा स्पेस आपको मिल जाता है, सारा स्पेस, और सारा सॉफ्ट टच है। सारा का सारा काम यहाँ पे आपको सॉफ्ट टच का मिलता है। सबसे अच्छा ना इसका कॉम्बिनेशन मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत प्यारा, डिसेंट, आंखों में ना लगने वाला कलर इन्होंने यहाँ पे चूज किया है। पीछे देखते हैं, यहाँ पे आपका फ्रिज का स्पेस है, आप अपना स्पेस और फ्रिज रख सकते हैं। ये सारी चीज़ें आपको एज इट इज मिल सकती हैं। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें हमारी वीडियो को, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, बेल आइकन जो है उसे प्लीज प्रेस करें, बिकॉज ऐसी वीडियो मैं आपके लिए डेली लाता रहूंगा। अगर आपको पता ही नहीं चलेगा आपने वो बेल आइकन को प्रेस नहीं करा हो तो। अगर कोई बिल्डर हमारे साथ कोलैबोरेशन के लिए बात करना चाहता है तो सेम नंबर पे आप मुझे कॉल कर सकते हो। इस वीडियो के रिगार्डिंग कोई भी आपको क्वेरी हो, जस्ट कॉल मी 24/7 आप मुझे कॉल कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर।